हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेड गैसकेट मारुति MPFI में कैसे रिमूव करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सब जानकारी अच्छे से मिल सके। रिमूव करने का तरीका और इसको रीइंस्टॉल करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। हेड गैसकेट रिमूव कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन चार बोल्टों को अनस्क्रू कीजिए, ढक्कन उठाइए और फिर इस साइड प्लेट को अनस्क्रू कीजिए। यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं, इनको अनस्क्रू कीजिए। हो गया ठीक। उसके बाद टाइमिंग बेयरिंग होता है, इसके दो बोल्ट लगे होते हैं, उनको निकालिए, अनस्क्रू कीजिए उनको और ऐसे। उसके बाद ये इसको बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट, इसको रिमूव कीजिए। उसके बाद ये टाइमिंग गियर दो होते हैं, इनको रिमूव कीजिए। उसके बाद बारी आती है इस टाइमिंग केस की, दूसरे जो इसका दूसरा छोड़ होता है टाइमिंग केस का, उसको भी टाइमिंग केस ही बोलते हैं, उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल्ट्स लगे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनको भी रिमूव करना होता है। इनको रिमूव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ साइलेंसर में लगे दो बोल्ट, वो उनको भी रिमूव कीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे करके, देखिए हो गया रिमूव। यहाँ पर लगा होता है हेड गैसकेट, तो ये हेड गैसकेट इसको उतारिए। ठीक है, फिर नया लगाने के लिए इसको साफ करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से इस पोर्शन को भी साफ करना पड़ता है।